मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको डीआई पाइप में जॉइंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। डीआई पाइप में कितने तरह के जॉइंट होते हैं, इसमें पाइप का जॉइंट के आधार पर पाइप में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, पाइप का शेप में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है, पाइप के इंड का जो शेप होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि जो पहला जो पाइप का कैटेगरी है वो है पुश ऑन जॉइंट। पुश ऑन जॉइंट एक फ्लेक्सिबल जॉइंट की कैटेगरी में आता है। पुश ऑन जॉइंट में हम क्या करते हैं कि डीआई पाइप में एक पाइप के दो इंड होते हैं, जैसे ये है सॉकेट और ये स्पाइजार्ड। एक इंड सॉकेट है, उसका दूसरा इंड क्या होता है, स्पाइजार्ड इंड बोलते हैं। और ये सॉकेट इंड को फीमेल और स्पाइजार्ड इंड को मेल इंड भी कहते हैं। तो इसमें पुश ऑन जॉइंट में हम इलास्टोमेरिक गैस्केट का यूज करते हैं। ये जो वहाँ स्पाइजार्ड के अंदर ये जो है खांचे बने हुए हैं, यहाँ पर गैस्केट फिट हो जाती है, ये रबर गैस्केट यहाँ फिट हो जाती है। और उसके बाद ये पाइप का जो स्पाइजार्ड इंड होता है वो इसमें फिट हो जाता है। और इसमें ऑयलिंग भी करते हैं, जो है पुश ऑन, पुश करके इसको फिट करते हैं, इसलिए इसको पुश ऑन जॉइंट बोलते हैं। और ये एक तरह का फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है। इसी प्रकार दूसरे जॉइंट में हम देखते हैं कि मैकेनिकल फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है। मैकेनिकल फ्लेक्सिबल जॉइंट में क्या होता है कि उसमें किसी मशीन्स के द्वारा हम जो है पाइप को, पाइप के अंदर जो रबर गैस्केट होती है, तो मैकेनिकल मींस के द्वारा उसमें प्रेशर देते हैं। जैसे रबर की ग्लैंड कुछ हो, उसमें हम हवा के द्वारा प्रेशर बना दें, तो मैकेनिकल मींस के द्वारा जब हम गैस्केट में किसी भी तरह से प्रेशर दे करके और उसको जो है पाइप को सील करते हैं। इसमें पाइप को सील करने के लिए किसी तरह के प्रेशर का यूज किया जाता है जब गैस्केट में, तो मैकेनिकल जॉइंट हो गया वो फ्लेक्सिबल। और ये भी जॉइंट एक तरह का फ्लेक्सिबल जॉइंट ही होता है। इसके द्वारा इसी में फ्लेक्सिबल जॉइंट में ही एक तीसरा है रीस्ट्रेंड। रीस्ट्रेंड का क्या होता है, जब किसी अलग किसी तरह से किसी अलग मींस के द्वारा पाइप की एसेसरी को अलग होने से रोकने के लिए, जैसे पाइप में पाइप हम ज्वाइंट कर दिए और उसको अलग होने से रोकने के लिए कुछ उसमें मींस लगाया जाता है, कुछ ऐसा चीज लगाया जाता है उसको रोकने के लिए कि पाइप अलग ना हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को रीस्ट्रेंड ज्वाइंट कहते हैं। इसके बाद एक अगला ज्वाइंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। नॉन फ्लेक्सिबल ज्वाइंट में क्या होता है, फ्लेंज ज्वाइंट भी उसको कहते हैं, फ्लेंज ज्वाइंट। पाइप का जो इंड होता है वो फ्लैटेंड ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे फ्लैटेंड ऐसे इसमें बन जाता है। और फ्लैटेंड पोर्शन में क्या होता है कि होल होते हैं और उसको उसको फ्लेंज बोलते हैं हम लोग। एक फ्लेंज दूसरे फ्लेंज ऐसे जो है चिपकेगा और वो उसमें होल होते हैं, नट बोल्ट के द्वारा वो टाइट हो जाता है, नट बोल्ट के द्वारा टाइट हो जाता है, या बिल्डिंग के द्वारा भी उसको हम जोड़ देते हैं। और ये जॉइंट क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हम कोई केमिकल भी लगाते हैं, कुछ सीलेंट भी लगाते हैं, दोनों फ्लेंज के बीच में कोई केमिकल भी लगाते हैं, उसको सीलेंट बोलते हैं, ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो। तो ये फ्लेंज जॉइंट हो गया। फ्लेंज जॉइंट में जो इंड पोर्शन होता है उसको हम फ्लेंज बोलते हैं, और इस तरह से ये नॉन फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है। इस प्रकार दोस्तों,
आज के वीडियो में मैं आपको DI पाइप के अलग अलग ज्वाइंट के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।